सब्सक्राइब कीजिए हमारे और आपके चैनल टेक्नोरोहित को सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके और साथ में ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मैं कभी भी कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप लोग उस वीडियो को इजीली देख पाएंगे। हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं Xiaomi Redmi Note 5 Pro के बारे में। तो जी हाँ, Xiaomi Redmi Note 5 Pro के बारे में आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में आगे बताने वाला हूं। तो अगर मैं बात करूं तो आप लोगों को पता है कि Xiaomi 14 फरवरी को एक इवेंट रखा है इंडिया में, जिसमें बताया जा रहा है कि Xiaomi Redmi Note 5 आपको लॉन्च होते हुए दिखाया जा सकता है। तो अब रूमर्स ये निकल के सामने आ रहे हैं कि Xiaomi Redmi Note 5 के अलावा एक और स्मार्टफोन आएगा, जिसका नाम होगा Xiaomi Redmi Note 5 Pro। तो आपको प्रो में क्या क्या देखने को मिलेगा आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और साथ में आपको MI TV 4 नाम का भी डिवाइस आएगा, वो भी आपको वैलेंटाइन डे के दिन देखने को मिल सकता है। तो अगर मैं बात करूँ तो जहाँ तक पता चले Xiaomi Redmi Note 5 Pro के बारे में, आगे मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जहाँ तक बताया जा रहा है कि आपको Redmi 5 Pro में देखने को मिल सकता है 5.7 या फिर 5.99 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले। प्लस का मतलब आप लोगों को पता है कि 18:9 स्क्रीन एक्सपेक्ट के साथ वो आएगा, जो इसकी एक हाईलाइट फीचर होगी। प्रो मतलब दिया गया कि एक अपग्रेड मॉडल ने, तो प्रो में इसलिए दिया गया है क्योंकि इसमें आपको मिल जाएगा स्नैपड्रैगन का 636। अगर इसमें आपको स्नैपड्रैगन का 636 चिपसेट अगर देखने को मिलता है तो आपको रेडमी नोट 5 में देखने को मिल जाएगा स्नैपड्रैगन का 625, जो कि कहीं से भी एक अच्छी बात नहीं है। आप मुझे बताइएगा कि अगर स्नैपड्रैगन का 625 के साथ Xiaomi Redmi Note 5 आता है और 636 के साथ Xiaomi Redmi Note 5 Pro आता है, तो आप कौन सा फ़ोन कंसिडर करेंगे। अगर वही फ़ोन को जो चाइना में लॉन्च किया है रेडमी 5 प्लस को, उसको इंडिया में नोट 5 के नाम से लॉन्च कर देगा, और जो प्रो वर्सन आएगा उसमें आपको रियल, मतलब रियल बोलो तो उसमें आपको रियल रेडमी नोट 5 देखने को मिल जाएगा। तो प्रो वर्सन आएगा जहाँ तक पता चले 14 तारीख को, तो पूरा क्लियर ही हो जाएगा कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा। बहुत सारा कन्फ्यूजन Xiaomi ने यहाँ पर क्रिएट कर दिया है, लेकिन जहाँ तक लग रहा है कि ये दो वेरियंट आएंगे आपको देखने को मिलेगा। एक आएगा स्नैपड्रैगन का 625 और दूसरा आएगा स्नैपड्रैगन का 636। अब जो रेडमी 5 है वो 625 आता है या फिर 630 आता है, वो तो उसी दिन पता चलेगा। लेकिन दो दो डिवाइस आ रहा है तो एक अच्छी बात है। जो लोग अगर प्राइस कम ही होगा तो एक वो कंसिडर कर लेगा, दूसरे को अगर दूसरा पसंद है तो वो कंसिडर कर लेगा। लेकिन एक ही डिवाइस अगर यूज़ लाते तो ज़्यादा बेहतर होता है। उसके साथ ही MI TV भी आ सकता है, जिसका बहुत दिन से वेट कर रहे थे। तो देखते हैं कि 14 फरवरी को फाइनली क्या Xiaomi हमें निकाल के देता है। बहुत कोई का वेट है और बस दो दिन बाद हमें पूरा क्लियर मिल जाएगा। आपको चैनल में इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, ताकि मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों का पता चल जाए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।